राज्य में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 के नियमों का कड़ी से पालन करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बस स्टैंड पर इसे रोकने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। ना तो यहां पर किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख। इन्होंने आइए डालते एक नजर। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के रोकथाम को लेकर विभिन्न प्रयास किया जा रहा है। इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस और किसी का भी ध्यान नहीं है या फिर इस पर मंथन फिलहाल नहीं किया जा रहा है। एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों को नियमों का पालन कराने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं दिखाई दी, न ही यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दिया। शहर में हर जगह मनपा द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के चौराहा पर मास्क के नियमों पर सख्ती से कार्यवाही हो रही है, लेकिन शहर के बस स्टॉप पर किसी भी तरह की कार्यवाही या यात्रियों में कोविड-19 के नियमों की जन जागृति नहीं की जा रही है। जब हमारी टीम ने शहर के गणेशपेट स्थित एसटी स्टैंड का जायजा लिया तो यहां पर बस में यात्रियों की न थर्मल स्क्रीनिंग होती दिखी न ही सैनिटाइजर किया गया। जब इस बारे में बस के कंडक्टर से बात की गई तो जवाब मिला कि हमें थर्मल स्कैनर दिया जाए तो हम यात्रियों की स्क्रीनिंग करेंगे। यही नहीं, बसों में भी एक ही सीट पर दो यात्री बैठे दिखाई देते हैं। इस पर भी बस कंडक्टर को पूछे जाने पर कंडक्टर द्वारा कहा गया कि अभी तक इस तरह के आदेश कुछ मिले नहीं है। अगर हम सार्वजनिक कार्यक्रम शादी समारोह पर रोक लगा रहे हैं तो बसों में भी यात्री में सोशल डिस्टेंसिंग रहे, इसका भी ध्यान प्रशासन द्वारा रखा जाना चाहिए और साथ ही लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अगर हम सार्वजनिक जगहों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे तो ही दोबारा उभरने वाले कोरोना संकट को निश्चित ही हरा पाएंगे। आज हम आए हैं नागपुर शहर के बस स्टॉप पर और हम देखने जा रहे हैं कि ये जो बस है इसमें बड़े मात्रा में जो है प्रवासी जो है सफ़र करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव भी हमें दिखाई दे रहा है। एक सीट पर जो है दो प्रवासी जो है यात्रा करने वाले बैठे दिखाई दे रही है। अभी तक मास्क नहीं लगाया था कोई लोगों ने तो मास्क नीचे रखा था। जैसे ही हमारा कैमरा दिखा तो लोगों ने मास्क जो है पहने हैं हम देख पा रहे हो, ना ही यहाँ पे कुछ थर्मल स्कैनिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे सैनिटाइज़र दिखाई दे रहा है। जिस तरह नियम जो है बनाए गए हैं उसका यहाँ पे उल्लंघन सरासर करते हुए यहाँ देखा जा रहा है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, नियमों को सख्त किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें कोई भी नियमों का पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। एक सीट पर दो यात्री हमें सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही में ना ही यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग जो है किसी की गई है, ना ही हमें यहाँ सैनिटाइज़र भी दिखाई दे रहा है। इस जो गाड़ी के कंडक्टर हमारे साथ हैं उनसे हम जानते हैं कि यहाँ जो इतने प्रवासी जो यात्रा कर रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई है? नहीं मैडम, नहीं की गई है, अवेलेबल नहीं है। नहीं, कंपनी अगर अवेलेबल करेंगे महामंडल तो फिर कर सकते हैं, अभी तो अवेलेबल नहीं है। सैनिटाइज़र भी होता है मॉर्निंग में हर फेरी में, पर अभी यहाँ पर नहीं है। एक सीट पे दो यात्री बैठे हैं, अभी तो कोई आदेश नहीं है ना, ऐसा किसी को उठा नहीं सकते ना मैडम। जैसा आदेश रहेगा उसके हिसाब से पालन करेंगे। जैसे कि अभी हमने इनसे जाना कि थर्मल स्कैनिंग जो है प्रशासन की ओर से थर्मल स्कैनिंग जो है इन्हें दिया गया नहीं थर्मल स्कैनर, इसलिए थर्मल स्कैनिंग नहीं कर पा रहे, साथ ही सैनिटाइज भी यहाँ नहीं हुआ है और आदेश नहीं मिलने के वजह से जो है एक ही सीट पर दो यात्री जो है प्रवास करने वाले हैं। लेकिन जो आदेश है या नियम है कड़े किए गए, फिर भी इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। तो ये लापरवाही जब तक नहीं खत्म होती है तब तक कोरोना के संकट पर हम मात नहीं कर पाएंगे। जब तक कोरोना है तब तक हमें कड़ाई से नियमों का पालन करना जरूरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN।